तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जय सिंह रावत और आपका स्वागत करता हूँ फिर से बिहार ग्राम के एक नए एपिसोड में। आज आप लोगों के सामने है 2-in-1, हाँ ऑब्वियसली सिनेमा प्लस कैफे या फिर कैफे प्लस सिनेमा। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है सिनेमा कैफे। जी हाँ, एक ऐसा कैफे जिसमें कि सिनेमा हॉल है या फिर साथ में है, यहाँ पर आप खाइए या फिर सिनेमा देखिए। तो इसका इनॉग्रेशन सैटरडे को हो चुका था, यस 15 था वो दिन। वैसे ब्लॉग तो लेट डालने की मेरी आदत पड़ी चुकी है क्योंकि मैं बहुत कामकाजी हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग वाइब लगेगा, हमेशा हर नई जगह की तरह यहाँ पे भी एक अलग वाइब है। इस दिन तो इनॉग्रेशन था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी भाई साहब, बहुत पूछे और ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने विंडो सीट पकड़ी जहाँ से एक अच्छा व्यू आ रहा था और मैं बैठ गया पूरी की पूरी भीड़ को एक तरीके से समझने के लिए, देखने के लिए। हमारा स्वागत हुआ था इन एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और ये डब्बा, इसके अंदर था कुछ कुछ जो मैंने खाया, काफ़ी टेस्टी था वैसे। और इसके बाद मैंने देखा यहाँ का मेन्यू भी काफ़ी आपका ऑन एवरेज ठीक ठाक है, मतलब आपको कुछ कुछ चीज़ें आपके रेट में मिल जाएंगी। फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा डिश कितने का है। बट हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे वर्थ इट है। मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ फ्री का खाया था, मैंने यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर किया था, मुझे मेरा पेट भरा था। पर फिर मुझे ट्राई करना था कि फूड कैसा है यहाँ का, क्योंकि ऑब्वियसली एम्बियंस एक अलग चीज़ होती है वहाँ पे, जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो अलग चीज़ होती हैं, लेकिन हाँ आप जो कंज्यूम करते हो बिल्कुल अलग होता है। तो मैंने एक स्पेगेटी और बेबी कॉर्न पास्ता, स्पेगेटी ऑर्डर किया था और बेबी कॉर्न ऑर्डर किया था, और दोनों भाई साहब क्या टेस्ट था यहाँ पे, तो मत पूछिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। यहाँ पे इसका खुद का एक मॉकटेल काउंटर आपको मिल जाएगा। और देख ही रहे, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इसको पहले ही दिन। अब यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ पे आपको लेके चलते हैं अगली जगह पे, जो कि यहाँ का स्मोकिंग एरिया है। अगर बहुत लोग स्मोक करते हैं तो आप इसके अंदर नहीं कर सकते थे, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे वो स्मोक कर सकते हैं। ये एरिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखने को मिलेगा। अभी तो लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और ये जो सिनेमा है ना, ये इग्लू के शेप का है, एकदम इग्लू, ठीक है। अंदर में आपका 360 डिग्री सिनेमा हॉल है, पहला सिनेमा हॉल ऐसा जो 360 डिग्री है। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक छोटा सा प्यारा सा केबिन भी, ऐसा वाला जो आपको इस इग्लू के एक एंड में मिलता है जब आप उसको घूमिएगा। तो मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, और आपको भी ऐसा इग्लू देखने को मिलेगा जब आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मुझे बाद में ऐसा समझ में आया कि ये राउंड शेप का है, मैं तो पहले ऑब्जर्व भी नहीं कर पाया, बट मैंने जब बाद में इसको देखा ना, तो इसका शेप ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे तब समझ में आया कि इसको 360 डिग्री क्यों कहा गया। काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए थे, मत पूछे, मतलब आप देखेंगे वीडियो में, गोल्ड मैन ऑफ बिहार, बहुत लोग आए थे। तो इसके बाद अब समय हो चुका था यहाँ पे सिनेमा को एक्सप्लोर करने का, तो मैं चला गया बॉक्स ऑफिस। यहाँ पे पहले से भीड़ थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे एंट्रेंस है। और उस दिन तो इनॉग्रेशन हुआ था, काफ़ी अलग रौनक थी। अभी आप जाइएगा तो आपको इसमें से घुसना है अंदर, और आप देख सकते हैं स्क्रीन को, और ये स्क्रीन है 360 डिग्री। एक बार राउंड एंड राउंड करके देख लेते हैं, 100 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है इसमें। जी हाँ, तो ये साउंड क्वालिटी थी काफी अच्छी। इसके बाद हम मिले यहाँ के ओनर से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था सर? ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने बिहार में इग्लू शेप में मैंने मिनी प्लेक्स लाया, 100 सीट का, फुल लग्जरी, 5.1 डॉल्बी साउंड। साउंड में कोई कंप्रोमाइज नहीं, साउंड आप सुनिएगा बेहद ही, मतलब जो बोलना चाहिए वन क्वालिटी, वो नंबर वन क्वालिटी है, आप भी अभी सुन सकते हैं। और ये बिहार में पहली बार हम लोग लाए हैं ऐसा कंसेप्ट, जो कैफे के साथ, रेस्टोरेंट के साथ, जो आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, मल्टी कूजन रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट का खुलने का इंतज़ार बहुत सारे लोग भी कर रहे थे, जो आज पूरा हो गया। अब लोग यहाँ पे आएंगे, आनंद उठाएंगे, अच्छे खाने का भी आनंद उठाएंगे, अच्छे मूवी का भी आनंद उठाएंगे। तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम लोग के पास एक रेस्टोरेंट भी है और एक मूवी हॉल भी है? अभी तो आज फर्स्ट डे है और इसी पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे किसी को मूवी देखनी हुई तो क्या करेगा? पहले वो टिकट लेगा बाहर से? पहले टिकट ले बाहर से। जी, टिकट का प्राइस मेरा
200 के अंदर है। और मूवीज लेटेस्ट लगेंगी? हाँ, मूवीज जो रिलीज होगी मूवी वही आएगी। और साथ में यहाँ पे आपका रन पर्दे की क्वालिटी आपको बता देते हैं, 1080 मेगापिक्सल का क्वालिटी है, 1080 का जी, 1080 का जो आप मोबाइल पे देखते हैं सबसे हाई क्वालिटी, वही क्वालिटी है, आप अभी भी देख सकते हैं। स्क्रीन तो मैंने देख लिया है सर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कर्व स्क्रीन है मेरा, बिल्कुल वो देखा मैंने इस तरीके से कर्व्ड स्क्रीन। तो अच्छा, मतलब जिसको यहाँ पे अगर भोजन करना है भोजन कर सकता है, जिसको आके सिनेमा देखना है सिनेमा देख सकता है, भी खा सकते हैं, अगर वो वहाँ नहीं खाना चाहे तो यहाँ खा सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार में, पटना में और खास करके मेरे दानापुर में जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो तो भाई साहब आदमी दूसरी जगह क्यों जाए। तो आपके नीरज सिनेमा हॉल एक खुल चुका है जहाँ पे आप आ सकते हैं, और शाम तो बहुत मस्तानी थी, उम्मीद है कि आपको इसका अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर अभी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के लिए आपको आना होगा सबसे पहले RC वेस्टर्न मॉल, और RC वेस्टर्न मॉल है वो आपका RPS मोड़ के पास में है, और इसके आसपास में जूडियो आपको दिखेगा, और वहीं पे 5th फ्लोर पे, आई गेस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे है आपका सिनेमा कैफ़े। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, आपको ये वाला एड्रेस डालना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और तब तक के लिए जय सिंह राठौर साइनिंग आउट। Thank you.